Hello dear, Assalamu alaikum. Hope you have a good start of the day. I'm your course instructor Muhammad Ismail and welcome to my channel Be Coder. Initializing a variable. तो ये बहुत ही important चीज़ है क्योंकि ये MCQs में भी आता है और short question के तौर पर भी आ सकता है और ये हमारे प्रोग्राम में सबसे मेन चीज़ भी है। इन ये सारा थ्योरी जो मैंने एक्सप्लेन की इसके ख़ास पर्पज़ है ताकि आपको पता हो सके, क्योंकि अगर हम जो कि ना फिर बाद में कोई प्रोग्राम करेंगे या कोई आपको प्रोफेशनल मिलेगा तो वो आपको इस तरह नहीं कहेगा कि ये चीज़, वो आपको इसके नाम से बुलाएगा। तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये सारी थ्योरी इनको जो है ना अपने दिमाग में याद रखें कि इन चीज़ों का क्या मतलब है। तो डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजिंग ऑफ वेरिएबल है क्या? तो फॉर एग्जांपल हमारे पास है वेरिएबल का नाम एज, तो एज को स्टोर करने के लिए हम किस तरह का जो है ना डेटा टाइप लेंगे वो आप ही सोच लो, क्योंकि एज जो है ना वो अगर मैं अगर कहूँ कि आई एम 18 ईयर ओल्ड तो मतलब 18 एक इंटीजर है, तो उसके लिए हम इंट का जो है ना डेटा टाइप लेंगे और एज इज एन इंटीजर टाइप, सो वी से आई एम 18 ईयर ओल्ड सो वी कैन टेक और एज an integer type. Now you can see age is equal to 18. This means it is called initializing. क्योंकि age के अंदर मैंने कोई चीज़ initialize कर दिया, कोई चीज़ रख लिया। इसके बाद अगर हम मैं कहूँ कि int age, अगर मैंने कहूँ कि यार एक कफ है तो है, वो हमने सिर्फ declare कर दिया कि यार एक कफ है, तो यहाँ पर मैंने सिर्फ उसको declare कर दिया। यहाँ पर कंप्यूटर में मैं कहता हूँ कि int age, एक age के लिए जो है ना मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट कर लो, उसके अंदर मैंने कुछ नहीं डाला। अगर मैं इस तरह करूँ कि int age is equal to 18, यानी मैंने स्पेस भी एलोकेट कर लिया और उसके अंदर कुछ डाला भी, तो ये डिक्लेरेशन और इनिशियलाइजिंग दोनों हो गए। तो आज हम अपना फर्स्ट प्रोग्राम जो है ना वो लिखेंगे कि इसका मतलब क्या है और क्यों लिखते हैं हम और किस तरह लिखते हैं। तो हैश इंक्लूड अ स्ट्रीम, इंक्लूड करो एक लाइब्रेरी इनपुट और आउटपुट की स्ट्रीम को। फिर जहाँ पर यू है ना यूजिंग नेम स्पेस स्टडी, यहाँ पर यूजिंग का जो यू बड़ा हुआ है लिखा हुआ है तो ये गलत होगा, यहाँ पर एरर शो करेगा जो कि आप बाद में भी देख सकते हो, और इसको हम डेव के अंदर जो है ना रन भी करेंगे इंशाल्लाह। तो यूजिंग नेम स्पेस स्टडी का यू छोटा होगा और एक स्पेस जो है ना वो एलोकेट कर दो और उसमें से ये लाइब्रेरी जो है ना इम्पोर्ट कर दो, सही। फिर मैं हमारा मेन फंक्शन होगा और मेन फंक्शन के अंदर हम अपना पहला जो स्टेटमेंट है वो लिखेंगे, यहाँ पर मैंने लिख लिया हेलो वर्ल्ड। तो इन दो कामों के दरमियान ये जो हेलो वर्ल्ड की दो आउटसाइड जो दो कामें हैं इनके अंदर हम जो भी लिखेंगे तो हमें आउटपुट पे वो शो कराएगा। और सी आउट की मदद है कंसोल पे आउट कर दो, कंसोल पे हमें ये चीज दिखा दो। और रिटर्न जीरो हम क्यों लिखते हैं कि हम अपने प्रोग्राम को बता सकते हैं कि ये यहाँ पर हमारा प्रोग्राम जो है ना वो टर्मिनेट होगा, अगर उसमें से कोई एरर नहीं है तो हमें रिटर्न जीरो करा दो, ये हमें शो नहीं कराएगा। लेकिन छोटे प्रोग्राम में अगर हम रिटर्न जीरो ना करें तब भी वो रन होगा,